इस मंदिर के गेट में आप लोगों को कुछ इस प्रकार का स्टेचू मिलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर की ओर घुस रहे हैं और पूरा देखिए क्या मजेदार रास्ता है, पूरा गांव गांव और इस साइड भी ये पूरा खेतम खेताई पूरा बाजार है। और आगे जाते हैं मंदिर के और मंदिर के बारे में थोड़ा मोड़ा बताएंगे हम मंदिर पहुंच के। और ये वाला वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो से आप लोगों को मिलने वाला है बहुत सारा ज्ञान और आगे का रहस्यमय। आप लोगों को स्टेचूज देखने को मिलेंगे और ये जो मंदिर है बहुत जंगलों के बीच है, उसके लिए बहुत से लोग ये मंदिर को नहीं जानते। पर आप लोग मार सकते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे मदन कामदेव मंदिर के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ताबड़तोड़। चलिए अभी मेरे को पूरा देखने का मन कर रहा मंदिर, क्योंकि बहुत समय से सुन रहा था मंदिर के बारे में। और यहाँ में देखिए ये देख सकते पूरा धार पूरा ये सब। और मंदिर के बारे में मेरे को भी पूरा जानने का मन कर रहा है और हमारे समीर भाई को भी। और तो चलिए अभी जाते हैं मंदिर के और पूछ के। और ओए हरी अंदर चलिए तो मंदिर की ओर। हम लोग अभी घूम चुके पूरा गांव गांव एरिया में, पूरा गांव लिया एकदम पौड़ी बे हो जाते हैं। और लेकिन आसान हो गया है, सेट होने वाला है और रास्ता बहुत तुरंत हो रहा है, उसके लिए कैमरा स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पूरा भैया लोग पूरा गाय बकरी उकरी सब लेके जा रहे हैं। साइड भी पूरा खेतम गुटाई और शायद धान काटने का समय आ गया है। ये जो मंदिर है गाइस गुवाहाटी से 50-52 किलोमीटर के दूर पर ही है और मदन कामदेव मंदिर को असम के खजुरोहो के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर खजुरोहो और कोणार्को का मंदिर की शैली बना हुआ है। तो मैं भी गूगल से देख के, क्योंकि आपका भाई भी तो गधा ही है ना जो कहाँ से आएगा, तो गूगल से देख के बता रहे हैं। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है, यहाँ गूगल में दिया हुआ है गाइस। मैं उसके लिए इधर से देख के बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भूल हो सकता है और अगर कुछ भूल भी हो जाए तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा अपना समझ के भाई को। तो अब मैं मंदिर का सीधा स्टेचू दिखा रहे हैं और यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। और गाइस देखिए एक बार देखिए तो सही, असम कितना सुंदर है देखिए तो सही। एक एक कोने में इतना इतना बढ़िया बढ़िया प्लेस है ना गाइस, बोलिए एकदम टावर। तो और बीच बीच से इतना खतरनाक खतरनाक जंगल है ना, यहाँ में तो रात को बाघ हाथी भैंस खतरनाक खतरनाक एक दो फोटो भी मारा जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। दादा मदन कामदेव मंदिर पर नीचे लिखा हुआ है, दिखाई आराम से बता दे। तो गाइस जाना पड़ेगा इधर से ऊपर क्योंकि बहुत पूछ पूछ के और यहाँ में मैप्स भी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा इधर से। और भाई साहब ऊपर से जो नज़ारा है वो भाई इतना पतला सा एक नदी निकला है गाइस नीचे से। और ये वाला रास्ता आप लोग पूरा देख लीजिए क्योंकि आप लोग भी आएंगे तो मज़ा आएगा। तो आप लोग भी मेरे ब्लॉग में घर में बैठे बैठे मज़ा कीजिए। आपका भाई यहाँ में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करते हुए ब्लॉग बना रहा है तो आप लोग घर में बैठिए। ओ माय गॉड क्या व्यू है, ओ नो। और ये मंदिर शायद स्टेचू कुछ इतिहास के बारे में हो गई वो आप लोग को गूगल से मिल जाएगा। और वाओ लुक एट दिस ब्यूटीफुल गाइस। और मैं जितना कुछ दिखा सकता हूँ मंदिर का वो सब दिखाता हूँ। और ऊपर में है शायद खतरनाक भी चल ना किधर ऊपर मंदिर तो ऊपर ना सीधे। और यहाँ में है एक प्यारा सा घर, किसका घर है नहीं मालूम, बहुत सुंदर है। लेकिन रात को यहाँ में अकेला रहने दिया जाए तो नहीं रह पाएंगे, क्या बोलते हो? भूत का चक्कर बाबू भैया बहुत खड़ा।
गाइस कुछ ऐसा है मदन कामदेव मंदिर, और पूरा जंगलों के बीच में। उसके लिए बहुत लोगों को नहीं मालूम है, और बहुत अंदर घुस के आना पड़ता है भाई हटा चारियाली से। कितना सीरी है नहीं मालूम, पर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जाते हैं कैसा माहौल है। लेकिन आदमी हमें नहीं है, शाम का समय 5 से 5:30 बज गया, और आपका भाई आज 2 ब्लॉग शूट किया है। तो फटाफट से जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मंदिर का 1 घंटा इसे प्रेस करते ना, बेल आइकन को भी ऐसे ही प्रेस कर दीजिए। साथ में माधव भाई के साथ हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भाई को सपोर्ट कीजिए मेरे ही तरह। लाहे लाहे अलमान चलम कब लगे हिंदी कोई कोई किने भागर लग जाए माधे माधे कब लगे। मंदिर तो एकदम धुनिया और गई तो पा ना आज लगे धुनिया कह रास्ता इन धुनिया और इन साफा के थे लाइव क्रेज पे लाइव क्रेज के कमती सीढ़ी उठी आई आम ए तलर पर एकदम सीढ़ी उठी उठी आई और चाओ मंदिर केनेवेश পাই গৈছো দেই ফাইনেলি, ইমান ওপৰৰ পৰা উঠি উঠি পাই গৈছো। থোৰা টাইম আসামি ব্লগ ভি কৰ লিয়া কিয়নকি বহুত দিন মন যা ৰা থা ফিৰ সে আ চুকা হিন্দী মে ব্লগ কৰ। ऊपर वाला इतना दूर से आया मंदिर बंद है। इधर कुछ पहले के दिन के, ये शायद ओरिजिनल बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से भगवान लोग ही बनाया हुआ, क्या हुआ नहीं मालूम मेरे को। और यहाँ देख सकते हो आप क्या प्यारा प्यारा मूर्तियाँ बनाया हुआ है भगवान का, यहाँ मूर्ति बनाया हुआ। और इस साइड भी देख सकते हो, और ये जो है पूरा जंगल के बीच में है आपका भाई जो है ना, कभी थकता नहीं है आपका भाई, एकदम ही है आपका भाई, एकदम थकता नहीं है आपका भाई, एकदम आप लोगों को ताज़ा ताज़ा ब्लॉग देने की कोशिश करता है। क्योंकि ये मंदिर बंद है, मैं इतने दूर से आया, कुछ नहीं, फिर से आएंगे जरूर आएंगे। एक बार बंद हुआ, दो बार बंद हुआ, 100 बार आएंगे, कभी तो खुला होगा ना, तो पूरा अंदर से दिखाएंगे, एकदम बढ़िया से दिखाएंगे आपको मंदिर का। और उस अच्छे देख के आते एक बार, मेन मंदिर वाला गेट वो वाला खुला है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो वाला भी गेट एक बार देख लेते हैं। ये तो और इधर से एक बार देख लेते हैं, इधर से भी शायद गेट है बंद। वो वाओ, इसके अंदर जाने जा पाता ना मजा आ जाता, पर मैं जा सकता हूँ इधर से पार होके, पर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि भाई अपने बाप का तो ये है नहीं। सही बात है, अब बिना पूछे जाना भी नहीं चाहिए। सही बात है ये मैनर्स नहीं है। दूर से मैं आया ही हूँ तो एक बार आप लोगों के लिए भी दुआ कर लेते हैं, तो एक बार दुआ कर लेते हैं फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि और जितने भी लोग देख रहे हैं। मुझे भी डर क्योंकि बहुत सारा साउंड आ रहा है, सही को यहाँ में डर लग रहा है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं होगा। तो और मंदिर तो पूरा बंद है, पूरा सुनसान। वैसे मजा आ गया आज माधव के साथ आके, ज्यादा कुछ खाया नहीं है बट थोड़ा बहुत खा लिया है आज। और आप सभी के लिए एक बार दुआ करता हूँ, और मैं यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टाइम। उधर का दिखाएगा नेक्स्ट टाइम, तो एकदम जाएंगे
प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम फिर से एक ब्लॉग आप लोगों को देखने में इतना ज्यादा मजा नहीं आया और ये ज्ञान के ऊपर था और मैंने कुछ वीडियोस लिए थे जो टाइम लैप्स में हो गए तो बहुत 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 आप लोगों को सॉरी। तो ये वाला ब्लॉग यहीं में खत्म करते हैं, होप करते हैं अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।